हेलो और नमस्कार मेरा मेरे सभी वॉरियर्स को। मेरा नाम है विकास और आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रूटल वॉरियर पे। तुम्हारे सामने खड़ा है बुरा और आज हम दोबारा से खेल रहे हैं GTA 5 और हमारे सामने देखो क्या है, मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। ये देखो हमारे सामने हमारी BMW i8 है, जस्ट अभी इसका कस्टम पेंट करा कर आया हूँ मैं। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, इसके दोनों डोर्स खुले हुए हैं। ये देखो पूरे पे डूडल आर्ट हो रखी है इसके। चलो इसके अंदर बैठ जाते हैं, इसके गेट भी बंद कर लेता हूँ मैं, इसके गेट बंद कर लेता हूँ पहले। चलो इसके गेट भी मैंने बंद कर लिए हैं और ये देखो कितनी ख़तरनाक लग रही है, बीस्ट एकदम। और भाई बढ़िया लग रही है, ब्लैक और डूडल आर्ट का कॉम्बिनेशन, कलरफुल, और बाकी बेस कलर जो है इसका ब्लैक है। और हम जा रहे हैं बस अगले कट पे। तो हमें यहीं पर जाना है, तो चलो भाई लमार का फोन आ गया, लमार ने बुलाया है कार उठाने जाके। और ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी अगली गली में ही है, अगले नुक्कड़ पे। और भाई बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना कार का जो कलर है कैसा लग रहा है, पेंट, नई पेंट जॉब करवाई है इस पर। तो भाई पीछे जाना है, पीछे खड़ी है कार कोई। और ये देखो भाई खतरनाक कार है ये भी एक, लेकिन अपनी BMW i8 के सामने तो फीकी है पूरी। और अपनी कार यहीं छोड़ देता हूँ, देखो दूर से कैसी खतरनाक लग रही है, एकदम मस्त। और हमें जाना है गैराज, गैराज भी दूर नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। तो चलो चलते हैं गैराज पर। ये भाई इसका जो लुक है इस कार का, पुरानी वाली फरारी की तरह, जो क्लासिक फरारी थी। I'm thinking where the blood stains and the bullet holes and shit. Man, fuck. That amateur shit behind me, I'm a professional now. Like you and old dude. So tell me what happened. I saw the ride. Man, I just jacked this thing. तो हमें यहाँ पर मुड़ना है और यहाँ पर है डेविन का गैराज। और भाई मेरे को इस ट्रेलर पे चढ़ानी है ये कार। Line it up on the truck. The final piece of the puzzle. और भाई ये कार तो फंस गई है। That's worrying, man. That's some shady ass shit. चलो ये भी चढ़ गई है। That's teamwork, motherfuckers. The boss man's happy. Then we'll get moving. भाई टिन्नू भी यहाँ पर है। So bust ass nigga ain't no boss. Enough, nigga. Get your ass in the truck. मेरे ख्याल से अभी भूरा को पता नहीं है कि टिन्नू ने उसे पकड़वा दिया है राधे को। भाई ये देखो क्या खतरनाक खतरनाक कार है, जितनी भी चुराई थी हमने सब इसमें है, सब इस ट्रेलर में ही है। Hey, it's cozy in here. Scooch up, homie. Yeah. Scooch over here. Scooching in that crazy dude? Oh, hell no, that nigga stink. Get over here. I don't bite. तो भाई हमें इन कारों को लेकर जाना है पलीटो बे तक। मुझे शायद से ये ऐसे चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वैसे दिख नहीं पा रहा है आगे की जो गाड़ियाँ होती हैं। और ऐसे तो भाई बहुत अजीब लग रहा है चलाने में। Shit, your operation slick. Shit, if you are right driving, I'm gonna catch up on some sleep. Go for it. It's all right being the boss. Meant to be running things, but this fool sleep. Yeah, I'll be asleep when your ass stop talking, nigga. Some boss.
तो ये वैसे पलीटो बे भी काफी दूर है। Michael, his creeping days are done. Well, what do you mean? He stopped creeping? No more creeping for him. He like, I would have liked an invite to the retirement party. There were no party. A party? तो भाई शहर तो पार कर लिए हम, शहर पार करके बाहर निकल आए हैं और हाईवे पे पहुंच गए हैं हम लोग। For a dude that kills dudes, that eats dudes, and fuck dudes, you talk true. It's unconfirmed. What's unconfirmed? The fact that you talk stupid or the fact that you do some messed up shit? Or where the other dudes at? Like maybe. और भाई ये ट्रक आराम से चलाना पड़ेगा क्योंकि इस पे जो गाड़ियां हैं बहुत महंगी कार है ये। I don't know if Franklin knows. मैंने चुराई हुई है लेकिन कीमत तो इनकी महंगी है बहुत। Yeah, it's a bummer. But you know, he wasn't the good guy he made out. That dude was a killer, a thief, a liar, and irritable as shit. Yeah. A liar, above all else, a fucking liar. Homie, you sound like some bitch he ain't called. Like, he lied to me. I am some bitch he didn't call. Oh shit, what's happening? Wake up, you dozy motherfucker. तो भाई काफी ज्यादा रास्ता कर लिया है पर और पीछे पड़ गई है पुलिस हमारे, अचानक से ही पता नहीं कहां से आ गई और वो शायद इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बाइकर्स हैं, उनकी कंप्लेंट भी हो रखी है, ये चोरी हो रखे हैं और ये भाई सुपर व्हीकल्स हैं, ये सारे के सारे मतलब बहुत ही महंगे व्हीकल्स हैं तो पुलिस से बच के भागना पड़ेगा। तो भाई भूरा जो है वो उधर गेट खोल के तो उतर गया और पता नहीं कुछ करने की कोशिश कर रहा है भूरा, ये देखो ये रहा। वो भाई बच गया, अभी तो ट्रक ही पलट जाता, पलटने ही वाला था बस। ये देखो ये रहा भूरा। पलीटो बे भी भाई पहुंचने वाले हैं लेकिन पीछे पुलिस है तो समझ नहीं आ रहा मैं ट्रक रोकूंगा कहां पे। ओ भाई ये देखो बुरा कार में बैठ गया लास्ट वाली में, वो जो चुराई थी हमने। बुरा पर स्विच कर लेता हूँ मैं। तो भाई ये देखो ये वाली गाड़ी से हिट करने की कोशिश कर रहा है ये। तो चलो भाई पुलिस तो हट गई है, इसे वापस ऊपर चढ़ा कर देखते हैं। तो मेरे को ये शायद ऐसे ही चलाकर ले जानी पड़ेगी ये वाली कार। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैं स्पाइक्स निकालने की कोशिश कर रहा था तब निकले नहीं थे, फिर मेरे को गोली मारने का काम करना पड़ा। वैसे मुझे ट्रक को फॉलो करना है तो ट्रक के साथ ही साथ चलता हूँ, आगे निकलने का फायदा नहीं है, यहीं कहीं पर है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। डेविन का घर भी यहीं कहीं है या शायद नहीं, पक्का नहीं पता डेविन का घर कहाँ पर है। और
यहाँ पर रोकना है शायद से ट्रक को। हाँ तो यहीं पर जाना था, तो यहीं से ले जाता हूँ मैं अंदर। वैसे कार मस्त है ये वाली। तो आगे कोई खड़ा है, आगे जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मॉली खड़ी हुई है। मॉली जी, ये डेविन की असिस्टेंट है। हेलो फ्रैंकलिन। Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time that the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost hard and pop motherfuckers. तो भाई ये लोग पैसे तो दे नहीं रहे और मिशन भी पास हो चुका है। तो देखता हूँ एक बार, मेरे को कहीं पे दिखी तो मैं उड़ा दूँगा यहीं पे सारी गाड़ियाँ। और यहाँ पर मैं ट्रक जाता हुआ देखा है भाई, ट्रक तो दिख नहीं रहा मेरे को कहीं पे। कोई नहीं भाई, डेविन से ही बदला लेंगे, जल्दी लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर नहीं हो, और बेल आइकन को दबा दो। तब तक के लिए बाय।